इंडिया एग्जाम्स के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करे थे और आज हम सॉल्व करेंगे आईएसएस 2016 स्टैटिस्टिक्स पेपर 4 क्वेश्चन नंबर 7A। ठीक है, तो देखिए हमने आपके लिए क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोसेस कंट्रोल एंड प्रोडक्ट कंट्रोल, डिस्कस द सिचुएशन व्हेन दे आर यूज्ड। ठीक है, तो हमारे पास दो टर्म मिले, एक है प्रोसेस कंट्रोल और एक है प्रोडक्ट कंट्रोल। हमें एक चीज समझ, मतलब इसके ऊपर हम थोड़ा ब्रीफली आपको समझा देते हैं। मान लीजिए आप किसी मतलब प्रोडक्शन हाउस का जो इंचार्ज है, ठीक है, तो आप एक, आपको दो चीज पे ध्यान रखना पड़ता है। पहला क्या है कि आपका जो सामान बनेगा वो डिफेक्टिव ना बने। अभी देखिए बाय डिफॉल्ट चांस कॉजेस रहते हैं जिसके कारण थोड़ा सा वेरिएशन होगा, पर कोई असाइनेबल कॉज ना हो जाए और जो आपका वेरिएशन है वो बहुत ज्यादा हो जाए। आपको वो जो वेरिएशन है, जो डिफेक्टेड प्रोडक्ट है, आपको उसे मिनिमाइज करना है। इसी चीज को कहते हैं प्रोसेस कंट्रोल। ठीक है, अब यार दूसरी सिचुएशन भाभी सोचिए, जिसमें आपके पास एक लॉट है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास 1000 अंडे का एक ट्रे है। ठीक है, आपको उसमें से आप अप्रूव करेंगे नहीं करेंगे, कैसे करेंगे आप, रैंडमली 5 या 6 अंडे देखेंगे, अगर वो सही है तो आपका वो जो पूरा लॉट है वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसमें अगर मान लीजिए आपके एक ही लॉट में बहुत सारे डिफेक्टेड चीज है, तो अगर उसी चीज उसी लॉट में अगर हम चूज करने लगे तो आपका रिजेक्शन होने का चांसेस ज्यादा है। इसीलिए आपका कोशिश होगा कि एक लॉट में ज्यादा डिफेक्टिव सामान ना रहे। इसी चीज से आता है प्रोडक्ट कंट्रोल या लॉट कंट्रोल। ठीक है, आज हमें यह देखना है कि प्रोसेस कंट्रोल और प्रोडक्ट कंट्रोल में डिफरेंसेस क्या है और वो दोनों प्रोसेस कब यूज किया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए हमने आपके लिए लिख दिया, हमारा रोल बहुत ही छोटा है इसीलिए हमने अभी तक यहां तक लिखा है। इसको समझाने के बाद हम नेक्स्ट पार्ट लिखेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं। यूजुअली इन एनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देयर आर टू एस्पेक्ट इन इंश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ द आउटपुट। आउटपुट को देखने के लिए दो एस्पेक्ट है जो मैं आपको बता रहा था। पहला क्या है, दिस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस शुड बी सो कंट्रोल दैट द प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव इज नॉट एक्सेसिव। ठीक है, सेकेंड क्या है, He or she should not ship out lots that contain an excessive proportion of defective piece, and we refer those two aspect of quality control as process control। पहला वाला है, सेकेंड है product control या lot control। ठीक है, तो देखिए हमने difference का first part लिखा है। ठीक है, first point लिखा है। देखिए पहला point process control का क्या है, it is very essential for the production प्रोसेस टू ऑपरेट इन कंट्रोल स्टेट फॉर रिलेटिवली लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। हाउएवर असाइनेबल कॉजेस मे अपीयर इन द प्रोडक्शन प्रोसेस रिजल्टिंग इन ए शिप ऑफ आउट ऑफ कंट्रोल स्टेट, इट इज वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एसक्यूसी टू डिटेक्ट द असाइनेबल कॉज सो दैट करेक्शन एक्शन कैन बी टेकन बिफोर मेनी डिफेक्टिव आइटम कैन बी प्रोड्यूस, दिस इज नोन एज प्रोसेस कंट्रोल। तो देखिए हम समझते हैं यहां पे क्या बताया गया, क्वालिटी कंट्रोल मतलब एज ए मैन्युफैक्चरर क्वालिटी कंट्रोल के दो एस्पेक्ट है। दो एस्पेक्ट क्या है, पहला एस्पेक्ट है कि जब मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं हम वो इतना कंट्रोल हो एक्सेसिव अमाउंट के डिफेक्टिव प्रोडक्ट ना आ जाए। ठीक है, दूसरा क्या है कि जितने मतलब अभी देखिए डिफेक्ट होना पॉसिबल है। ठीक है, वो वेरिएशन रहता ही है, पर आपका जो लॉट हम मतलब भेजेंगे उसमें एक ही लॉट में बहुत सारे डिफेक्टिव प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, तो वो लॉट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहां पे प्रोसेस कंट्रोल की बात आ गया। देखिए हमें पता है कि दो तरह के वेरिएशन होता है, एक है चांस कॉज और एक होता है असाइनेबल कॉज। इन दोनों कॉजेस के कारण वेरिएशन देखने को मिलता है। अब देखिए आप चांस कॉज को आप कुछ नहीं कर सकते, उसमें माइनर वेरिएशन आता है और उसमें माइनर वेरिएशन आने के बाद भी हम उसको कहते हैं इन कंट्रोल स्टेट। ठीक है, जो यहां पे बता रहे थे कि ये जो प्रोसेस कंट्रोल है वो बहुत ही लेंदी मतलब एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि आपने मशीन ऑन किया और आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो स्टैंडर्ड है वो मेंटेन कर रहा है मशीन। अगर मान लीजिए कोई वेरिएशन दिखाई दिया तो आपको मतलब वेरिएशन आने के साथ साथ आपको वो पकड़ना पड़ेगा और उसमें करेक्शन करना पड़ेगा। मतलब देखिए यहां पे बता रहे हैं कि हाउएवर असाइनेबल कॉज मे अपीयर इन द प्रोडक्शन प्रोसेस रिजल्टिंग इन ए शिफ्ट टू आउट ऑफ कंट्रोल स्टेट। मान लीजिए आपका मशीन स्मूथली काम कर रहा है, वहां पे अभी कुछ गड़बड़ी हुआ जिसके कारण जो डिफेक्टिव चीजें निकलना शुरू हुआ और आप उसे नहीं पकड़ पाए, तो क्या होगा आपका
तो आपके बहुत सारे डिफेक्टिव चीज़ निकल जाएंगे, मतलब बहुत सारे नंबर निकल जाएंगे, जिससे आपका लॉस होगा। इसीलिए वैसा ना हो, इसीलिए आपको प्रोसेस कंट्रोल चाहिए कि अगर डिफेक्टिव आया तो हम पकड़ लेंगे, तो बहुत सारा जो डिफेक्टिव सामान हमें ना मिल जाएगा, ठीक है। इसीलिए मतलब इसी जो डिटेक्शन होता है इसको कहते हैं हम प्रोसेस कंट्रोल, ठीक है। ये है फर्स्ट पॉइंट जिसमें हमने बस डेफिनेशन लिखा है। सेकेंड पॉइंट क्या है, Another problem in SQC is to ensure that a lot of manufactured item should not cause an excessive proportion of defective item. ठीक है, बहुत मतलब एक लॉट में बहुत सारा सामान डिफेक्टिव ना हो। मान लीजिए जैसे मान लीजिए आपका प्रोडक्शन आप कर रहे हो, ठीक है, आप सामान भेज रहे हो, उसमें से क्या होता है कि एक ही लॉट को मतलब कोई भी एक लॉट मतलब एक बॉक्स रैंडमली खोला जाता है और उसके सामान को चेक किया जाता है, ठीक है। क्योंकि आपने मान लीजिए 1,00,000 सामान का आपने ऑर्डर मिला है, आपको 1,00,000 सामान चूज करना पॉसिबल नहीं है, पर आप क्या करेंगे, आप 1,000 सामान का एक बॉक्स खोलेंगे, खोल के आप रैंडमली चेक करेंगे, अच्छा सही है। आप ऐसा एक या दो के साथ कर सकते हैं, और मान लीजिए आपका उसी बॉक्स में लॉट मतलब उसी बॉक्स में ज्यादा डिफेक्टिव सामान है, तो आपका क्या होगा, आपका पूरा जो 1,00,000 का जो मतलब एग्रीमेंट था या मतलब जो आपको भेजना था वो आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए कभी भी हम ऐसा कोशिश करते हैं कि एक मतलब एक ही लॉट में बहुत सारा मतलब डिफेक्टिव आइटम ना चला जाए, ठीक है। तो ये है, इसमें हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कंट्रोल, ठीक है। हमने यहाँ पे एक पॉइंट देखा है, अभी हम यहाँ इसको मिटा के जो बाकी रिमेनिंग पॉइंट है आपके लिए हम लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, तो देखिए हमने आपके लिए लास्ट पार्ट लिख दिया है, तो हम लास्ट पार्ट देखते हैं। लास्ट पार्ट क्या है, इट इज अ टेक्निक यूज फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड मॉनिटरिंग द प्रोसेस बाय कलेक्टिंग डेटा ऑन क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक पर्टिकुलरली फॉर द प्रोसेस, एनालाइज देम एंड टेकिंग सुइटेबल एक्शन व्हेनेवर इट इज अ व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन एक्चुअल क्वालिटी एंड स्पेसिफिकेशन और स्टैंडर्ड। देखिए यहाँ पे सेकेंड पॉइंट पढ़ रहे हैं हम, प्रोसेस कंट्रोल का, ठीक है। तो प्रोसेस कंट्रोल क्या बताना है, एक टेक्निक है जिसमें हम समझते हैं, हम यहाँ पे जो मतलब हम जो काम करें उस काम को हम अंडरस्टैंड करते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं, ठीक है, और हम एक्शन लेते हैं जब भी हमें लगता है कि जो हमारा स्पेसिफिकेशन या जो स्टैंडर्ड दिया है उससे वेरिएशन हो रहा है, ठीक है। आप इसे एक ऐसे एग्जांपल में समझिए कि जैसे मान लीजिए कि आपका जो कपड़ा है वो 12 मीटर का होगा, ठीक है, अभी देख रहे हैं कि अब जो कटिंग होने के बाद वो 11 हो रहा है या मतलब 13 हो रहा है, तो मतलब क्या है, वहां पे डिफेक्ट है, तो हमें क्या चाहिए, हमें एक्शन की जरूरत है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने पहले उसको अंडरस्टैंड किया हमें कितने लिमिटर का कपड़ा चाहिए, इसके बाद हम उसको मॉनिटर किए कि हमारे पास कितना मिल रहा है हमें, इसके बाद जब हमें लगा कि नहीं हमारा जो स्पेसिफिकेशन है उससे वेरी कर रहा है तो हम एक्शन ले रहे हैं, ठीक है। तो ये है प्रोसेस कंट्रोल का सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट यहाँ पे देखिए, प्रोडक्ट कंट्रोल का सेकेंड पॉइंट क्या है, प्रोडक्ट कंट्रोल मीन्स टू कंट्रोल द प्रोडक्ट्स इन सच अ वे दैट देयर इज अ फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स एंड कन्फर्म टू देयर क्वालिटी स्पेसिफिकेशन। देखिए प्रोडक्ट कंट्रोल में हम क्या करते हैं, हमारा काम होता है कि हम ऐसे मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट कंट्रोल मीन्स द कंट्रोल ऑफ द प्रोडक्ट इन सच ए वे, हम ऐसे एक वे में प्रोडक्ट को हम अरेंज करते हैं जिससे कि जो मतलब लॉट में डिफेक्ट मिलने का चांसेस जो है वो कम हो जाता है। मान लीजिए आपको 1,00,000 आपको मतलब सामान है आपको मतलब डिलीवर करना है और उसमें आपको 100 डिफेक्टेड चीज को मतलब है आपका जो उसमें है 1,00,000 में है, तो आप अगर हर बॉक्स में एक एक करके रखेंगे तो उसे पकड़ने का चांसेस जो है वो कम हो जाएगा, कि ये बहुत रेयर केस है कि वो एक आदमी एक ही उठाएगा वो डिफेक्ट होगा, वो चांसेस कम हो जाएगा। और हर बॉक्स में अगर हम एक करके मतलब डिफेक्ट निकलेगा 100 आपको मतलब तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या है कि मतलब पकड़ने का चांसेस जो है वो कम हो जाएगा कि 100 में से एक खराब है चलो ओके फाइन वो छोड़ देगा, ठीक ना। अभी मान लीजिए आपको 6 में से आपका 15-20 खराब हो गया तो आपका वो पूरा लॉट खराब मतलब वो चेंज करने के लिए जाएगा, ठीक है। इसका देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रोसेस कंट्रोल इज टू कीप द प्रोसेस इन कंट्रोल। देखिए यहाँ पे इन कंट्रोल जो होगा यहाँ पे वो सेमीकोलन में होगा, यहाँ पे क्या है कि प्रोसेस कंट्रोल का मेन काम क्या है कि जो प्रोसेस हम कर रहे हैं वो कंट्रोल में रहे। कंट्रोल में रहने का मतलब क्या है कि उसमें सिर्फ चांस कॉजेस मतलब चांस कॉजेस के कारण जो वेरिएशन होता है सिर्फ वही रहे, कोई असाइनेबल कॉजेस ना आए, ठीक है। द मेन स्टैटिस्टिकल टूल इज टू कंट्रोल चार्ट, और इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं कंट्रोल चार्ट, ठीक है। अब देखिए
प्रोडक्ट कंट्रोल का क्या है, प्रोडक्ट कंट्रोल का जो ऑब्जेक्टिव वो देखिए, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्ट कंट्रोल इज टू डिसाइड वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट लॉट ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस कमिंग फ्रॉम वन और मोर सैंपल ड्रॉन एट ए रैंडम फ्रॉम द लॉट इन द क्वेश्चन एंड इट इज अचीव थ्रू सैंपलिंग इंस्पेक्शन। ठीक है, अब देखिए जो मैं आपको बता रहा था यहां पे, इसका जो मेन काम क्या है कि एक जो सामान है उसको हम सिलेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे वो किससे बेस करता है, वो बेस करता है कि एविडेंस को बेस करता है, जिस जो को कैसे मिलता है कि हम रैंडमली सैंपल कलेक्ट करते हैं। ठीक है, आपको 1 लाख का सामान मिला, आपको चेक करना है, ठीक है, चेक करना है क्या हम मुझे सामान रखना है नहीं रखना है। आपने रैंडमली 1 लाख मतलब 1 लाख डिफरेंट बॉक्सेस में आए, आप 2 बॉक्स को मंगवा के आपने 10-10 दोनों बॉक्स में निकाल के देखे कि कितना डिफेक्टेड है, आपकी देखा कि चलो सही है तो ठीक है हम रख लेंगे। अभी उसमें देखा कि आपने मतलब आपका एक लिमिट होगा कि यहाँ पे 2 बॉक्स में 2000 है, तो 2000 में अगर मुझे 25 या 50 से ज्यादा डिफेक्टेड मिलेगा तो हम कैंसिल कर देंगे या मतलब उसको वापस कर देंगे, तो आपका अगर उससे कम आया तो आप रख लेंगे, अगर ज्यादा होता वापस कर देंगे। तो ये क्या होता है, इसको कम कैसे करते हैं, सैंपलिंग इंस्पेक्शन किया जाता है और इसमें कंट्रोल चार्ट से किया जाता है। ये क्या होता है, इट इज अप्लाइड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, जो प्रोसेस कंट्रोल है जब हम प्रोडक्शन करें उसी टाइम इसका यूज किया जाता है। ठीक है, प्रोसेस कंट्रोल से आप नाम समझ सकते हैं, और इट इज अप्लाई आफ्टर द प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन होने के बाद जब आप अरेंज करें उस टाइम आपको प्रोडक्ट कंट्रोल की जरूरत है। प्रोसेस कंट्रोल जब प्रोसेस चल रहा है तब जरूरत है, और प्रोसेस कंप्लीट हो गया इसके बाद प्रोडक्ट को अरेंज करने के लिए आपको प्रोडक्ट कंट्रोल चाहिए। ठीक है, इसका देखिए, प्रोसेस कंट्रोल इज ऑफ टू टाइप्स, ऑनलाइन प्रोडक्ट क्वालिटी कंट्रोल एंड ऑफलाइन क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, तो ये दो तरह से होता है, ऑनलाइन कर सकते हैं या ऑफलाइन हो सकता है। ठीक है, पर देयर इज नो सच टाइप ऑफ प्रोडक्ट कंट्रोल। ठीक है, यहां पे ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ये जो है ये मेनली कोई डिफरेंस नहीं है, एक पॉइंट क्या है, इट इज अ इंटीग्रल स्टेज ऑफ टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर। जो मैं बता रहा था कि टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर में जिसमें जो ऑटोमेटिक मशीन होते कपड़े बन रहे हैं उसमें ये चीज मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस कंट्रोल, कि कोई मतलब गलत प्रिंट ना हो जाए, कोई से मतलब कोई गड़बड़ नहीं हो जाए, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और प्रोडक्ट कंट्रोल क्या है, ये प्रोडक्ट कंट्रोल फोकस ऑन शॉर्टिंग एंड आइसोलेटिंग डिफेक्टिव प्रोडक्ट। ठीक है, और प्रोडक्ट कंट्रोल जो है वो हर चीज में, हर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में के लिए वो काम आता है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में कोई कंफ्यूजन नहीं है। आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा प्रोसेस कंट्रोल और प्रोडक्ट कंट्रोल। प्रोसेस कंट्रोल कब यूज किया जाता है, प्रोसेस कंट्रोल तब यूज करते हैं कि मत मान लीजिए आपका जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उसमें आपका जो प्रोसेस है इसमें अगर कोई स्पेसिफिकेशन वेरिएशन दिखाई दे रहा है, हमें ऐसा लेवल कॉज आ गया और जिसके कारण बहुत सारा वेरिएशन हो रहा है, तो आपको एक्शन लेने के लिए इसके लिए हम प्रोसेस कंट्रोल यूज करते हैं। ठीक है, और आपका प्रोडक्शन हो गया उसमें जो डिफेक्टेड है वो एक ही लॉट में सब ना चला जाए, उसके लिए हम प्रोडक्ट कंट्रोल यूज करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे 5-6 पॉइंट देखा है, 6 पॉइंट में से पहला जो पॉइंट था वो तो डेफिनेशन था, आप दोनों का डेफिनेशन लिख दिया। इसके बाद हमने क्या देखा, इसमें हमने देखा कि प्रोसेस में हम क्या चीज मतलब ये समरी बताया गया दोनों प्रोसेस का, कि जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, इसके बाद क्या करते हैं, हम एक्शन लेते हैं, अगर हमें एक्शन लेने की जरूरत होती है तो हम एक्शन लेते हैं। ठीक है, और प्रोडक्ट कंट्रोल में क्या है, यहाँ पे हमें देखना पड़ता है कि जो डिफेक्टेड है वो एक ही में ज्यादा ना चला जाए। ठीक है, इसके लिए हम इसके लिए स्ट्रेटेजिकल टूल क्या है, कंट्रोल चार्ट है, और इसके लिए क्या है, सैंपलिंग इंस्पेक्शन है। ठीक है, ये प्रोडक्शन के टाइम किया जाता है और ये प्रोडक्शन के बाद किया जाता है, प्रोडक्शन होने के बाद उसके अप्लाई किया जाता है। ठीक है, इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन का मतलब वो है कि आप ऑनलाइन कर सकते हो, ऑफलाइन कर सकते हो, इसमें वैसा कुछ नहीं है। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में, वीडियो में कोई कंफ्यूजन नहीं है, अगर वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपकी डाउट क्लियर करने की या आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आप इसको फेसबुक करिए तो आप फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए, और हमारा 500 सब्सक्राइबर पूरा हो गया है, इसके लिए आपके सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।